कि 22 साल से एक लेडी बिस्तर से उठ नहीं पाई और एसनीपीएस के प्रोडक्ट लेकर 22 साल से कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न था, चूटी काटे तो पता नहीं चलता था और 3 दिन में उसके शरीर में हल्का फुल्का मोशन होने लगा। और आज वो लेडी आपके बीच आई हुई जिसकी कमर का हिस्सा काम नहीं करता था, जो 22 साल से टॉयलेट वॉशरूम नहीं जा सकती थी, आज आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, आप लोगों को अपनी ब्लेसिंग देने के लिए इंदिरा गांधी में आई हुई है। मैं चाहूंगा एक बार वो मैडम स्टेज पे जरूर आए और अपना आशीर्वाद, क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं बहुत लगती है मेरे दोस्त। हमें ऐसे लोगों की दुआएं चाहिए, दुआएं मिलती रहे तो लगता हम कमाई लेंगे। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे, याद रखना एसएनपीएस पहले लालच पे खड़ी नहीं हुई थी, पहले तेल इंसानियत पे खड़ी हुई थी और जब तक ये सृष्टि रहेगी ये कंपनी इंसानियत का दामन कभी नहीं छोड़ेगी। पैसे आए या ना आए, लोग साथ आए या ना आए, जो है वो भी छोड़ के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बंदे की एक आदत है, आज तक कोई गया है किसी को फोन नहीं किया और किसी को आने के लिए फोन नहीं किया। अपना काम करता हूं, अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। जिसको जो अच्छी लगती हो जाए, जिसको जो पसंद हो जाए, लेकिन याद रखना अगर गवर्नमेंट की बात समझ में आ गई मेरे वाली तो 10% ही मुझे माल बचेगा डायरेक्ट सेलिंग का, 90% साफ है। ये भी बता देता हूं, मुझे जो बदलाव करना हो मैं करूंगा 90%, क्योंकि मैं चाहता हूं भारत में एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग को जन्म देना जिसके ऊपर दुनिया में कोई कभी उंगली ना उठा पाए। मैडम मैडम क्या बात है, आप अपना आशीर्वाद दो। नहीं अब देखो इतना चल पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मेरा नाम सेहत त्रिपाठी है, मैं बॉम्बे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरी ये जो प्रॉब्लम थी बाय बर्थ थी, कमर के नीचे का हिस्सा एकदम काम नहीं करता था और जैसा कि सर ने अभी बताया कि अगर आप चिमटी भी लें तो मुझे पता नहीं चलता था, कोई सेंस ही नहीं थे, कहीं चोट भी लग जाए तो भी नहीं पता चलता था, ब्लड अपने आप निकलने लगता। मैंने सिर्फ अपनी साड़ी पहनी और उस पर एक पिक डाली, आज मैं बिजनेस करते करते प्लैटिनम लेवल पे हूँ, बहुत बेहतर लेवल पे। अरे सुनो, ये जिंदगी एक ही बार मिलती है, सबको जाना है, या ईगो के साथ चले जाओ, घमंडी बन जाओ, झूठे बन जाओ, मक्कार बन जाओ, लालची बन जाओ, फरेबी बन जाओ, दुनिया को लूट के अपना घर बना लो, या दुनिया का दिल जीत के उनके दिलों में अपनी जगह बना लो। एक ही बार मिली है, कोई 10 साल बाद जाएगा, कोई 15 साल बाद, कोई 20 साल बाद, पूरी जिंदगी कोई नहीं रहेगा। मेरा मैसेज है, मुझे लालच के लिए कभी मजबूर मत करना और ना मैं कभी हो सकता, और ना मुझे कोई साला धमकी देने की कोशिश करना, कंपनी छोड़ दूंगा, लात मार के बाहर करूंगा। मेरा दिमाग थोड़ा अलग तरह का है, मेरी सांस थोड़ी अलग तरह की है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का नहीं खाया। ना मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदार लोगों की जरूरत है, मैं चाहता हूं बेईमान तो मेरी कंपनी में मुझे दिखेगी ना सब, और जो होगा देखा जाएगा। पहले जिससे कहता हूं सच्चाई के साथ ईमानदारी से काम करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, और देखने वाले ये नजारा देख लो। यस यस। यार क्या मतलब इसके, क्या ऊपर मर के जाऊंगा, भगवान कहां बैठाएगा मैं, देखो ये क्या बोल के गई है। 22 साल से जो खड़ा नहीं हो रहा बच्चा, आज खड़ा होकर धुआं देखे जा रहा है, इसके सामने पैसे की औकात है क्या? इतना कर गया हिंदुस्तानी, क्या इतना कर गया हमारा जमीन, कि इन
लोगों की दुआओं से बड़ा हम पैसे को मानने लगेंगे? कभी नहीं मानेंगे। ऐसी ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती थी, बनाती है और बनाती रहेगी। आप लोग सिर्फ दिल से साथ दो, दुनिया जीत के आपके चरणों में डाल दूंगा। मेरे को दिल से साथ दो, दिमाग से नहीं। दिमाग वालों से अपनी नहीं पटती यार, प्रॉब्लम है अपने को। साइको हूं मैं, दिमाग वालों से मेरी पटरी नहीं बैठती, मेरी पटरी दिल वालों के साथ बैठती। यस यस, दिल वालों के लिए कुछ भी देने को तैयार हूं मैं। अगर इस दुनिया में रहा, मैंने अच्छा जीवन प्राप्त किया, जितनी भी मैं तरक्की करी, मैं आप सबसे वादा करता हूं, रिकॉर्ड कर लेना, मैं अपनी जिंदगी में जितना मुझसे भला होगा, समाज का, गरीबों का जितना होगा, मुझसे उससे ज्यादा ही करूंगा। दोस्तों एक ही जन्म है यार, अगले जन्म में साला कुत्ता बने, बिल्ली बने, गधा बने, कोई कुमार साला लठ मार मार के। एक मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म इंसानियत के लिए मिलता है। मनुष्य जन्म इस दुनिया में समझ के लिए मिलता है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग सब चीजें समझता है, जानवर का नहीं समझता। अगर मनुष्य की तरह सोचेंगे तो मनुष्यता जरूर जागेगी और एक दिन लोगों की दुआएं हमें बड़ा बनाएंगी। मैं आप फिर कहता हूं, मैं खुद को क्रेडिट नहीं देता, ऊपर वाला महाकाल बाबा भगवान अल्लाह गॉड वाहेगुरु के उसके कमाल है यार। मेरे किसी प्रोडक्ट में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि 22 साल का नीचे का शरीर जग जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बच्चा पैदा कर दे किसी को 20 साल से जिनको नहीं हो रहे। ये सब आपकी दुआओं का और परवरदिगार के आशीर्वाद का फल है मेरे दोस्त। मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, मैं तो आपका नौकर मानो, संरक्षक मानो, आपकी कंपनी है, मैं इसको आज देख रेख कर रहा हूँ। मेरा कोई रोल नहीं है, रोल आपका है। आज SBPS आपने इंडिया में नंबर 6वें 7वें में पहुंचाई है, आपने पहुंचाई है। नंबर 1 पे लेके आओगे, आप लेके आओगे। इनके घर प्रोडक्ट मैंने नहीं पहुंचाया, आपने पहुंचाया सर, क्रेडिट आपको जाता है। SBPS का हर फाइटर मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना ब्रांड एम्बेसडर, रोल एम्बेसडर, एम्बेसडर। यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ये जितने लोग बैठे हो, अपने आप को छोटा बड़ा मत समझना। मैं भी किसान का बेटा हूँ, तुम भी किसान के बेटे, हम सब एक है। वही साला हम ही करोड़पति अरबपति को चलाए, सब एक है। वी आर वन, हम सब वी आर वन। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा माहौल, ऐसी दुनिया यार मैंने कहीं नहीं देखी है। दुनिया में अमीर को गरीब से बदबू आती है, जात पात पता नहीं क्या क्या, और हाँ सब गले लगाते हैं, सब गले मिलते हैं। अरे मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग करो ना करो, पर इस माहौल में रहो जरूर। ऐसा माहौल इस कलयुग की मतलब दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। Are you ready to get success? Yes! तैयार हो? Yes! तैयार हो? Yes! दोस्तों इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, समाज की, जनता की दुआ लेते रहेंगे और सपने पूरे करेंगे। सुनो, भगवान ने इसलिए भेजा था, ये महाकुंभ क्या है, ये कोई यहाँ पर फंक्शन नहीं है, विजन है। विजन परमात्मा ने तुम लोगों को भेजा था कि जाओ अपनी क्षमताएं पहचान के आओ, विजन लेके आओ। क्या आप लोग अपनी क्षमता को पहचानने में सफल हुए या नहीं? Yes. पहचानने में सफल हुए या नहीं? Yes. अपनी पावर का एनालिसिस हुआ या नहीं? Yes. पता चल गया Yes. कि तुम सब तो यार रास्ते की तलाश में आए थे, रोटियों की तलाश में नहीं आए। आई एम राइट। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए कुछ नए प्रोडक्ट दे दूं yes. कुछ नए प्रोडक्ट दे दूं yes. पहले एक वादा करो, थाईलैंड आ जाओगे yes.
ऐसा ही फंक्शन थाईलैंड में करोगे करोगे प्रॉमिस। दूसरा वादा करो, यहाँ से जाति चेक डबल करोगे, यहाँ से जाति चेक डबल करोगे। अरे अब तक तुमने एकदम एटम बम जचाना चाहिए, इतना बड़ा फंक्शन में आपके तो मतलब अंदर से आवाज आ रही है। अरे सुनो, 5-7 घंटे जो नहीं बैठ सकते, 5-7 साल काम कैसे करोगे? अरे भैया, जो 5-7 घंटे बैठ नहीं सकता, ये करोड़ों के लिए 5-7 साल काम कैसे करेगा? एक ओलंपियन जो है ना, 10 सेकंड के लिए 4 साल मेहनत करता, 10 सेकंड के रिजल्ट के लिए, 10 सेकंड दौड़ने के लिए, और उसके बाद उसे मौका मिलता है। तुम 4 साल मेहनत करना, तुम्हारी जिंदगी की दौड़ी खत्म हो जाएगी। आर यू रेडी? तैयार हैं? अपने आप को पहचान पाए? क्या पता चला हम कमजोर नहीं है? क्या हम गरीब नहीं है? हम कमजोर नहीं है? जहां हम काम कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म कमजोर था, अब मौका मिला है, अब दुनिया को दिखाएंगे हम में क्या है।